नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला के तीन नौजवान तपती गर्मी से राहत पाने के लिए हरिगढ़ नहर में नहाने गए, डूबने से दो की हुई मौत। संगरूर में एक पुलिस कर्मचारी का शव अपने ही क्वार्टर में गली सड़ी हालत में मिला, पुलिस ने धारा 174 के तहत की कार्रवाई। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने एक व्यक्ति को किया काबू, 10,800 नशीली गोलियां की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। तपती गर्मी से राहत पाने के लिए बरनाला के तीन नौजवान बरनाला चंडीगढ़ हाईवे पर बने हरिगढ़ नहर में नहाने के लिए गए थे। इस दौरान नदी का बहाव कम होने के कारण वे उस जगह चले गए जहां पर पानी की गहराई ज्यादा थी, जिसमें तीन दोस्तों में से दो दोस्त गहरे पानी में बह गए और अपनी जान गंवा गए। एक दोस्त ज्यादा गहरा पानी होने के कारण आगे नहीं गया, जिस कारण उसकी जान बच गई। पुलिस प्रशासन और गोताखोरों द्वारा देर शाम तक गहरे पानी में से दोनों नौजवानों की लाश बरामद की गई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए बरनाला सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया और 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडीज परिवार के सुपुर्द कर दी गई हैं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं रेशम सिंह जी संधुपति चो, ये मेरा भतीजा लगता जी गुरप्रीत सिंह, दो मुंडे ये नूर हस्पताल कन्या सके, ये तिने बस नहाँ चले गए। वो नहाँ नहाँ बाद चौड़ करते हो कि उत्थे पिछे खड्डा खुडा से, खड्डे के बै कि खेड़ते खेड़ते डिग पे, वो दो मुंडे डुब गए। तीसरा मुंडा बाहर सगा, इन्हें उत्थे पिंड के लोगों भी कट्ठे कोठे करके लॉसमेंट भी हुई है उत्थे पिंड, उतों पिंड के लोगों ने भी, पिंड का सरपंच हरविंदर सिंह भी आया, उन्हें भी बहुत मदद कराई। तो जो ना पाँच चार घंटे भालते रहे तो नहीं मिले, तो फिर उतों गोताखोर मंगाए ने पटियाले को कनौर तो, वो गोताखोर ने 735,000 रुपया मंगया। असी फिर आपस में ही लोगों ने, गरीब परिवार का मुंडा सीगा प्रजापतों का, फिर असी आपस में लोगों ने पैसे कट्ठे करके उन्होंने गोताखोरों पैसे दिते ने। सानू पिंड के सरपंच ने भी कहा भी असी भी कोई मदद करांगे, सरकार वालों सानू कोई सहायता नहीं दी गई। मेरा नाम सरताज है भाई, असी तीन दोस्त गए थे अंकल नहाने गए थे इधर, एवं गए पानी के बिच, मैं तो पत्थर जिदे खड़ गया सगा उधर भाई, वो दोनों गल्ला करी जाते आपस, गल्ला करते करते पिछे गड्ढा जहाँ सगा उन्होंने देखा नहीं सगा, फिर वो गड्ढे जे डिग पे थे। मैं गया बचाने, मैं भी थले जान लग गया पानी से, बाहर निकल के मैं बाई को हाक मारी सी, तीन चार मुंडे होर थे वो भी आ गए, उन्होंने भी लभ्या सगा, फिर मैं भी लभ्या सगा, नहीं लभे गए, फिर मैं इधर इन्होंने घर फोन करा सगा, फिर सारा कुछ पता लग्या। डूंगा है जी 20 फुट घटो घट। वह जी तीन जने बरनाला तो नहाने लिए आए थे नहर के, एक सरताज खान, गुरप्रीत सिंह और भुपिंदर विजय सिंह, ये तीन जने की जी उम्र है वह 25 to 27-28 साल विचकार है जी। जेडे कल दो बंदे जोड़े डुब गए थे, गुरप्रीत सिंह और भुपिंदर विजय सिंह, इन्हों शाम गोताखोरों की मदद के नाल बाहर कढ़िया गया सी, सिविल हस्पताल बरनाला इन्हों एडमिट करवाया गया सीगा, जिथे इन्हों डॉक्टर ने मृत घोषित किया गया। अज इन्हों का पोस्टमार्टम करवा के लाश को वारसा के हवाले किया जा रहा है। संगरूर शहर में एक पुलिस मुलाजिम का शव अपने ही क्वार्टर में गली सड़ी हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पुलिस मुलाजिम सुखविंदर सिंह पंजाब पुलिस की तरफ से पटियाला काली माता मंदिर की सिक्योरिटी में ड्यूटी करते थे। सुखविंदर सिंह की मौत का पता तब चला जब उसकी बेटी कोमलप्रीत उनसे मिलने आई। जब उसने क्वार्टर के अंदर जाकर देखा तो उक्त पुलिस मुलाजिम का शव बेड पर पड़ा था। मौके पर पहुंचे एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये मौत तकरीबन 3-4 दिन पहले हुई लगती है। पुलिस मुलाजिम ने बताया कि मृतक सुखविंदर सिंह शुगर की बीमारी से पीड़ित थे और अक्सर अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए आ जाते थे। उन्होंने कहा कि मृतक की बेटी के बयानों के आधार पर धारा 174 की कार्रवाई की जाएगी। मौत के असली कारणों का पता शव के पोस्टमार्टम के बाद ही लग सकेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कितने पहुंचे थे पुराने क्वार्टर के रहने पटियाला गेट हौलदार सुखविंदर सिंह ड्यूटी करते थे काली देवी माता मंदिर पटियाली, उत्थे घर के लगे थे, तीन चार दिन तो क्वार्टर से पे थे। चल बेटी आई
ਦੇਖੇ ਕੋਟਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 77 ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੇ अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौ निहाल सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना इस्लामाबाद की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक व्यक्ति को नशीली गोलियों सहित काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि नशे की गोलियां सप्लाई करता था वह इस समय कोट खालसा की तरफ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सनी नामक नौजवान को काबू किया जिसके पास से 10,800 नशीली गोलियां भी बरामद की गई। इसके अलावा एक एक्टिवा जिस पर वह सवार होकर आया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर थाना इस्लामाबाद में पहले भी 3 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ये नशीली गोलियां हरिद्वार सहारनपुर और यूपी से लेकर आता था और ये पहले से भगोड़ा चल रहा था जिसे काबू कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इससे आगे की पूछताछ की जा सके जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। काबू किया है सनी एदा नाम है जो गुरु नानकपुर का रहने वाला है और ये को 10,800 टैबलेट्स जड़िया ने एल्प्राजोल की फड़िया ने जी नशीली और ये खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया ये खिलाफ़ पहले 3 मुकदमे दर्ज है जी जिद 2 मुकदमे तो पहले पीओ है और एक मुकदमा जोड़ा वो पीओ प्रोसीडिंग चल रही है। 2 मुकदमे इतने दर्ज ने एक लालूडू थाने परचा दर्ज है खिलाफ़। हाँ जी ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक से जावे जी अजय पुछगिछ जितों टैबलेट्स आईया ने यह बरेली तो कहना मैं लैके आना है और उत्थे जी फैक्टरी है फैक्टरी के भी जोड़ा वा उ जाके सारी पुछगिछ की जाएगी और जितों बन के निकलिया ने वो सारी वो गां फरदर इन्वेस्टिगेशन दे विच। हाँ जी ये को एक्टिवा गड्डी मिली है जी एक्टिवा के उत्ते एयर कवर किया गया सारा कुछ जी जो बोड़ी साहब गुरुद्वारा साहब वो नेड़े बेरबाद भट्ठा है वो कोलों काबू किया। जालंधर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर द्वारा कई प्रकार की ठगी का शिकार हुए एनआरआई पीड़ित महिलाओं के साथ बैठक की गई जिसमें उन्होंने महिलाओं की परेशानियां सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इसके लिए जल्दी एक पॉलिसी लेकर आएगी ताकि भविष्य में महिलाओं को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस दौरान उनके साथ नए कैबिनेट मंत्री बने बलकार सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान एनआरआई पीड़ित महिलाओं ने अपनी परेशानियों को बताया और कहा कि वे उम्मीद करती हैं कि सरकार की नई पॉलिसी उनकी समस्याओं का जल्द हल करे। तो वहीं पटियाला में पावर कॉम के बाहर किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली से पहुंचे पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि धरने लगाने से किसी बात का हल नहीं होता बल्कि बैठकर बात करनी चाहिए क्योंकि उसके साथ अच्छे नतीजे आते हैं। पंजाब सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मान साहिब के जो भी फैसले होते हैं वे लोगों के हितों के लिए होते हैं और बहुत बार उनके फायदे लोगों को बाद में पता चलते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे डिपार्टमेंट वालों समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विभाग विकास विभाग वालों जलंधर विखे मीटिंग रखी गई जिदे विच साडा बहुत ही अहम मुद्दा औरतों के प्रति सी विदेशों विच जाण वाली औरतां चाहे वह रुजगार करके चाहे वह ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਿਖਰ ਗਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MLA ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆਈ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਆ ਹੁਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਧੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਲੜਕੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਬੇਟੀ 1.5 ਸਾਲ ਕਾ ਬੇਟਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭਾਗ ਗਿਆ ਥਾ, ਤਬ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਮੁਝੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਏ, ਅਬ ਮਾਂ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ 3 ਸਾਲ ਕਾ ਬੇਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਆ ਕੇ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਆ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, FIR ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਆ, ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ, ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ASI ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕੋ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇ 3 ਅਧਿਆਪਕੋ ਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਔਰ ਰਜਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਆ ਥਾ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਨਤੀਜੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਉਨਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ 19 ਔਰ 20 ਜੂਨ ਕੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਸਭੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਆਪ ਸੁਮਨਿਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2021 'ਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ।
तो पिछलियां सरकारां ने जो साडा एक समा बर्बाद किया, एक साडियां जिंदगियां बर्बाद कीतियां, असी किते ना किते ये सोचते हाँ कि जो हुण आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने साडा किते ना किते आके ये दर्द महसूस किया है, तो सानू उस नरक भरी जिंदगी विच्चों एक थोड़ी राहत दिती है कि हाँ भी इन लवारिसां दा भी कोई नहीं सीगा, असी तो एक लवारिसां दी तरह ही सीगे कि जिन्हों कोई भी नहीं जानदा सीगा। पिछलियां सरकारां ने जो भी समय समय से साडा शोषण किया सीगा, इस सरकार का असी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस समय आके साडे आम लोगों का आके दर्द महसूस किया, बहुत ज़्यादा असी इन्हां दे धन्नवादी हां। पिछलियां सरकारां सीगियां, दो सरकारां लंघियां 2008 तो कि साढ़े जिहड़े आ टीचर आ EGS AESTR ये वो टीचर आ जिहड़े एक एक हज़ार के स्कूलों च पढ़ाउंदे रहे आ, ये उन्हां बच्चों नूं असी जोड़िया स्कूलों नाल, जिहड़े झुग्गियां झोंपड़ियां के बच्चे कभी स्कूलों में आ नहीं सकते सीगे, कोई नुमाइंदा उन्हां नूं जान नहीं जांदा सी, उन्हां साढ़े जिहड़े आ टीचर आ उन्हां ने इत्थे कम किया स्कूलों के नाल जिहड़ा बच्चों नूं जोड़िया, तो ड्रॉप आउट सिस्टम ही खत्म कर दिता। सब तो वड्डी देन जिहड़ी आ EGS AESTR दी आ, जिन्हां ने बच्चों की गिनती सरकारी प्राइमरी स्कूलों से वधाई आ, तो जदों भी असी काफ़ी लंबे टाइम तो संघर्ष करते पे सी, हुण मेरी गल ला लो तो मैं 2008 तो इस इतने स्कूलों पढ़ा सरकारी प्राइमरी स्कूल मकसूदा च पढ़ाउंदी सी, माणयोग जिहड़े मुख्यमंत्री साहब इन्हां दी सरकार आई, पर एक इन्हां दी सरकार दी आपां इह सिफत देखी, सानू रैली धरने तो बिना सानू मीटिंगां च बैठण दा मौका मिलिया, जिहड़ी सरकार साडे कदी पहली सरकारां कदी फोन नहीं चकनियां, फोन ते दूर दी गल, सानू जिहड़ी रैली करके मीटिंग मिलदी हुंदी सी ना, वह भी मीटिंग ते जिहड़े कैप्टन साहब नहीं सी बहिंदे हुंदे, पर इन्हां सरकारां च इन्हां दे कैबिनेट मंत्री चाहे वह अनमोल गगन मैडम जी होण, चाहे माणयोग साडे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस जी होण, चाहे साडे CM साहब होण, पर असी जे फोन भी करदे आ ते साडे फोन ते साडी गलबात सुनी जांदी आ। उस बदौलत कल जिहड़ी कैबिनेट हुई आ उन्होंने अपना जिहड़ा वादा कीता सी साडे नाल पक्किया करन दा, चाहे साडा गैप सी उन्होंने फिर भी वह चीज़ कंसीडर की, कैबिनेट च मोहर लाई आ, उन्होंने कहा कि जिहड़ा विधानसभा सैशन आ 19 ते 20 तरीक नूं होण वाला जिहड़ा तुहानूं जिहड़े तुहाडे ते सारा भत्ते जिन्नी भी तुहाडी तनखाह वह सारे लागू कर दिते जाणगे। डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सर्फ हितकारी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शिक्षा महाकुंभ का आयोजन डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया, जिसके समापन समारोह में पंजाब के राज्यपाल डॉक्टर बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, जबकि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल डॉक्टर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ये महाकुंभ नया इतिहास बनाएगा और शिक्षा प्रणाली को नई दिशा भी देगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य गुरुकुल प्रणाली को आज की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विद्यार्थियों को शिक्षित करना, भारतीय संस्कृति से अवगत करवाना और बेरोजगारी को खत्म करना है। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की ओर से 10वीं कक्षा में 91% अंक हासिल करने वाले स्पेशल छात्रों को 11,000 रुपये की राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब रहे कि इस बच्चे ने पैरों से लिखकर अपनी परीक्षाएं दी और अच्छे अंक हासिल किए, जिसकी वजह से उसे ये विशेष सम्मान मिला है। इस अवसर पर विनोद कनोजिया, सतीश कुमार, टी रामकृष्ण और इंस्टीट्यूट के अध्यापक व विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ग के लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। तो शिक्षा जैसे विषय के अभाव में दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, लेकिन इसके अभाव में सबसे ज्यादा भूखमरी, गरीबी उन्हीं कंट्रीज में पाई जाती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक ओजस्वी तेजस्वी विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान विजय नड्डा जी के मार्गदर्शन में इस शिक्षा महाकुंभ को, क्योंकि हमारे देश के अंदर कुंभों की एक अति गौरवशाली परंपरा रही है, जिसके माध्यम से समाज की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का बड़े ही सहज और सरल तरीके से समाधान कर लिया जाता था, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके मार्गदर्शन में इस शिक्षा महाकुंभ को डिजाइन करने का एक सुअवसर मुझे मिला। पिछले 7 महीनों से हम इसमें लगे हुए हैं, हमने 9 स्टेट्स और 4 UTs में लगभग 2,000 व्यक्तिगत निमंत्रण दिए, 5,000 पत्र पूरे देश के
शिक्षा मंत्रियों को, सभी कुलपतियों को, नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थानों के निदेशकों को और स्कूलों से लेकर केंद्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को भेजे। लगभग 10,000 ईमेल्स भेजी और 31 पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से इसको जन आंदोलन, जन भागीदारी बनाने का कार्य किया और उसका नतीजा भी बड़ा सुखद निकला। कई दर्जन पूरे देश से, लगभग 18 स्टेट से जो कुलपति निदेशक पिछले 3 दिनों में इस शिक्षा महाकुंभ में आए, उन्होंने अपना विचार रखे और इस शिक्षा महाकुंभ के 3 दिन की 3 अलग अलग थीम थी, उन थीम्स पर उन्होंने चिंतन मंथन किया। इस शिक्षा महाकुंभ में 2689 कुल पार्टिसिपेशन समस्त भारत से हुआ और अगर संस्थानों की बात करें तो 1187 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन इस शिक्षा महाकुंभ में हुआ और इस शिक्षा महाकुंभ में लगभग 144 टैलेंट रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई, 81 रिसर्च पेपर और पहली बार हमने स्कूल से शोध पत्र आमंत्रित किए थे। अब तक जनरली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर्स का चलन था, लेकिन मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ पे 15 लाख स्कूल से शोध पत्र निकले। अगर ऐसा होता है तो हम कुछ ही वर्षों में चाइना जैसे कंट्री को, जिसने पूरी दुनिया को IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में बीट कर दिया, हम भी अगर इसको जन आंदोलन, जन मुहिम बना सके तो हम भी चाइना क्या पूरी दुनिया में नंबर 1 IPR में हो जाएंगे। विद्या भारती की पंजाब प्रांत की इकाई सर्वकारी शिक्षा समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जालंधर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा महाकुंभ एक बहुत ही प्रशंसनीय और प्रासंगिक प्रयास है। आपको मित्रों, भारत का हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा। प्राचीन समय देखो, तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी जैसे महान विश्व के प्रमुख संस्थान में जमा है, पूरा विश्व आता था शिक्षा के लिए, प्यासा प्यास बुझाने के लिए हमारे देश के अंदर आता, वो एक जमाना था। समय बदला, अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने बड़ी बड़ा बिल्कुल सोची समझी रणनीति से बर्बरता के साथ हमारी प्राचीन संस्कृति शिक्षा को मिटाने के संकल्प के साथ में प्रयत्न शुरू किया। मैं कल ये कह रहा जो शिक्षा पद्धति थी उसने हमारी संस्कृति को समाप्त किया, तो वही शिक्षा पद्धति वर्तमान वर्षों चलते रहे। आपके इस महाकुंभ से बहुत बड़ा संदेश दिया है, शिक्षा तो है ही, शिक्षा के साथ में संस्कार और चरित्र उतना ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सौभाग्य की बात है, सूझबूझ है और एक दृढ़ कदमों के साथ में प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश को दी, उसको इम्प्लीमेंट रिलीजियसली करना, ये हमारा काम। आई एम यूजिंग द वर्ड रिलीजियसली। अभी जो देखने में आया ऊपर ऊपर काम हो रहा है, स्कूलों के अध्यापकों को अभी तक परफेक्ट नहीं, नई शिक्षा पद्धति के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है।
उस दिशा में स्टार्टिंग काम हो कि जब अध्यापकों को प्राध्यापकों को नई शिक्षा पद्धति अच्छे से समझाई जाए भारत को विश्वगुरु बनाना। विश्वगुरु बनाने के लिए परिस्थिति तो ऊपर से आने वाले नहीं, बनाना आपको हमको पड़ेगा। तो डेडिकेट के साथ, ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, करप संविहित सोसाइटी हमने यदि निर्माण कर ली, कोई रोक नहीं सकता हमको विश्वगुरु बनाने का। भारत हम ही बनाएंगे। शायर ने कहा था, लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो है जो बदल देता है जमाने को। संदेश आप चर्चा का जो अमृत निकला है, अच्छे पेपर तैयार कर लिया, हर सब्जेक्ट भी कर लिया, इतने बड़े विद्वान आपने जमा किए, साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। तो पब्लिक लाइफ गई ना, पूरी पब्लिक लाइफ में उठा, दो बार MLA रहा, तीन बार पार्लियामेंट में गया, मिनिस्टर भी रह गया महाराष्ट्र में, गवर्नर भी चार जगह भेज दिया, आसाम, आसाम से मेघालय, मेघालय से तमिलनाडु, तमिलनाडु से पंजाब, मैंने कहा ठीक है जहाँ भी पंजाब की सारी जगह है, थोड़ा बटोरे रखते उसके कारण में बड़ा मिलता है। ये देख के मेरा शरीर अंत में आपको सारी आपने एक मेरा नहीं है, शायरी शायर की है, मैं चोरी नहीं करता, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ, शायर हमारी रचना शायरी से अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी शायरी रही, नोट कर लेता हूँ। एक शायर ने कहा, एक किताब की तरह हूं मैं, विद्वानों की जगह है ना, किताबों से मतलब आता है, एक किताब की तरह हूं, कितनी भी पुरानी हो जाए, सौ साल, डेढ़ सौ साल, दो सौ साल, उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे, समय मिले पन्ने पलट के देखना, हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही मिलेंगे। मैं अनुराग शर्मा और ये साढ़े श्री मुक्तसर साहब का एक हीरा है और इसने 91% नंबर 10वीं जमात विचों लिते है और वो जिहड़े नंबर है वो पैरा नाल लिख के इसने प्राप्त किए हैं और स्कूल प्रिंसीपल का, स्कूल टीचरस का और सर नालों वध जिहड़ी इहनूं सपोर्ट रही है इन्हां दे मापिआं दी रही है जिहड़े इन्हां नूं स्कूल लैके जांदे सी और वापस लैके आंदे सी। फिर जदों अखबार दीआं सुरखियां सुखबीर बनिआ उस तों बाद असीं इहनूं इनविटेशन दित्ता शिक्षा महाकुंभ का जो 3 दिन चलिया बहुत वधिया प्रोग्राम सी, इत्थे आके इसने होर भी बहुत नवीं चीज़ां ग्रहण कीतियां और इसनों अज इत्थों दे प्रबंधकों ने सन्मानित भी किया और मैं दैनिक सवेरा तो शीतल वेद जी का तह दिल तो धन्यवाद भी करदा जिन्होंने इस परिवार की वित्तीय सहायता भी की है और वित्तीय सहायता के नाल नाल इसनों जो मनोबल मिले वो इसनों आने वाले दिनों दे विच इसकी जिहड़ी भूमिका वो श्री मुक्तसर साहब दे विच एक नवीं तरह उजागर होगी और मैं जिन्हें भी साढ़े दीवान मेरे छोटे भैन भरा होंगे उन्होंने मैं मिसाल एक साढ़ा सुखबीर और उन्होंने मैं कहना चाहना कि हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसले कदे भी ना हारो, सुखबीर तो हमेशा सीखो। इस एक यूट्यूब चैनल है उस तो इस यूट्यूब पर वीडियो उन्होंने मिलदिया रहनगियाँ और एक मैं फिर आखिरी बार कहना चाहना कि कदे भी जिंदगी दे विच हार ना मनो, सुखबीर ने भी जिंदगी दे विच हार नहीं मनी और उसका अज नतीजा कि शिक्षा महाकुंभ दे विच एक स्टार बन के जा रहा है।
पंजाब पुलिस अक्सर ही अपने कारनामों के कारण चर्चा में बनी रहती है, जिसके चलते अमृतसर में एक बार फिर पंजाब पुलिस अपने कारनामों के कारण चर्चा में नजर आ रही है, जिसके ताजा मामले में अमृतसर के छहरटा रोड पर एक प्रवासी परिवार द्वारा एक व्यक्ति की लाश को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस संबंध में मृतक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह दो दिन पहले वाल्मीकि चौक के नजदीक साइकिल पर आ रहा था, किसी व्यक्ति द्वारा उसे टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट करने वाले एक्टिवा सवार व्यक्ति को पुलिस के हवाले भी किया गया था, लेकिन पुलिस की ओर से आरोपी को बिना पूछताछ किए छोड़ दिया गया और अब उनके व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा, जिस कारण वे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे रोड जाम कर प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाने पहुंचे पुलिस अधिकारी हरिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के पारिवारिक सदस्यों को विश्वास दिलाकर अब धरना खत्म करवा दिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम जी कृष्णा है। दो दिन बंदे का एक्सीडेंट होया इसे चौक दे विच रात दे 10:30 बजे। अच्छा जी। उस टाइम बंदे दे काफ़ी सट्टा लग गया सी, साइकिल ते बेचारा जा रहा सी, अगो स्कूटरी वाला ड्रिंक करके आ रहा, उहदे विच विच मारिया लिया के उहदे सर ते सट लगन करके। वह बंदे का ना कितने पंजाब पुलिस ने कोई ख्याल किया, उस तो बाद पंजाब पुलिस ने वह बंदे नूं फड़िया, उस तो बाद इन्होंने वह बंदे नूं छड़ता आया। हुण अज असी मॉर्निंग टाइम इन्हां नाल गल कीती, कल इहदी बॉडी डेड हो गई 11 बजे, उस तो बाद इन्हां नाल गल कीती कि भाजी तुसीं बंदे का की किया आ, ये कहिंदे कि असी बंदे नूं फड़ के लियाउण लगे हाँ। उस तो बाद भी इन्होंने कहा पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर असी बंदा लियावांगे, पोस्टमार्टम हो गया, उस तो बाद लाश घर वापस लग गए। हुण असी इन्हां नूं पुछा कि भाजी की किया है, कहिंदे भाजी बंदा घरों फरार आ, इन्हां ने बंदा फड़ के बंदा छड्या आ। परसों एक्सीडेंट होया ही, मेरे पापा रोड क्रॉस कर रहे थे, वो बस क्रॉस कर रहे थे, बस उन्होंने साइकिल पकड़ के खड़े ही थे, वैसे वहाँ से तेज बाइक आई और उनका एक्सीडेंट करके चली गई। फिर किसी ने मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर मतलब वो पहुँचाया, फिर ना पुलिस वाले को कंप्लेन की गई, उसी टाइम कंप्लेन की गई। तो फिर पुलिस वाले ने आए, उन्होंने मतलब वो जिसने एक्सीडेंट उसको नहीं पकड़ा लेकिन उसके पीछे जो बैठा था उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर उसको मतलब थोड़ी देर में उनको भेज दिया वापस, क्या कर दिया। फिर अगले दिन कहते हैं 10 बजे वो आएंगे उसको लेकर। परसों एक एक्सीडेंट होया सी रात नूं, हां जी हां जी, ओदे विच कल जिहड़ी ओदी डेथ हो गई सी ते कल परचा दर्ज होया सी जी, उस संबंधी इन्होंने जिहड़ा वा ओह डेथ संबंधी ओदा धरना लाया जी। की इन्हां नाल आरोप सी कि बंदा छड्ड दित्ता गया? हाँ जी, कहिंदे कि बंदा छड्ड दित्ता गया, पर इहो जी कोई गल नहीं आ, ओह आउण तों एएसआई नूं पुछिआ, कहिंदा मेरे आउण तों पहलां ही बंदा चले गया जी। अच्छा, हुण इन्हां नाल कहा गया सी बंदा जल्द जिहड़ा अरैसट कर लांगे। धरना तों बाद आया सर? हाँ जी हाँ जी। जंडियाला गुरु टोल प्लाजा निज्जरपुरा में टोल अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग संस्थाओं के सैकड़ों जाली आईडी कार्ड जब्त किए हैं। इन कार्डों को इस्तेमाल कर बहुत से लोग टोल की पर्ची कटवाए बिना पैसा दिए अपने वाहन यहां से निकाल लेते थे। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए टोल मैनेजर यादविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों जाली आईडी कार्ड जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इस टोल प्लाजा पर प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग संस्थाओं के पहचान पत्र दिखाकर बिना पर्ची कटवाए यहां से गुजरते थे, जिस कारण टोल कंपनी को काफी चूना लग रहा था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई हिदायतों पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार्डों को जब्त करना शुरू किया गया है और कुछ ही दिनों में सैकड़ों पहचान पत्र जब्त हो गए हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। निज्जरपुर टोल प्लाजा से पिछले साल बहुत जाली कार्ड मतलब जा रहे हैं, खड़े ने तुहाडे सामने ने, इस संबंध च मतलब असीं इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ताकि लोगों या प्रशासन को भी पता लगे भी की कुछ हो रहा है। ये कार्ड कितना लोगों तो भी जब्त किए हैं जी? ये साढ़े टीसी ने जी, जोड़े बैठे कलैक्टर उन्होंने मतलब फड़े ने, किसान यूनियन के फड़े ने जी, ये जाली कार्ड ने जिसे कोई स्टैंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो छड़ के चले जाते हैं।
परम आदरणीय परम श्रद्धेय राज योगिनी ब्रह्म कुमारी राज दीदी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर संत समागम का आयोजन श्री महावीर जैन भवन नजदीक कपूरथला चौक जालंधर में किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे ब्रह्मभोग का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 1 बजे आशी वर्चन प्रेम श्रद्धे संत समाज एवं वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा विश्व शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन भी किया गया। ये समागम ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी संधीरा बहन, ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी विजय बहन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर परम श्रद्धे राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राज दीदी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व SMO RL वसन, डॉक्टर सुषमा चावला सहित आश्रम के सभी भाई और बहनें मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी
ਆਦਿ ਦੀ ਜਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਆਦਰਨੀਯ ਰਾਜ ਦੀਦੀ ਜੀ ਉਨਕਾ ਆਜ ਚੌਥੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਉਨਕੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਪਰ ਆਜ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਈਸ਼ਵਰੀਯ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਜਨ ਵੀ ਪਧਾਰੇ ਔਰ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਸੇਵਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਆ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਆ ਔਰ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੇ ਜੈਸੇ ਸਫਲ ਕੀਆ ਔਰ ਆਜ ਸਭੀ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਗਈ ਕਿ ਹਮੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸੁਖਮੇ ਬਣਾ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤਮੇ ਬਣਾ ਕਰ ਹਮੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀ ਆਤਮਾਓ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਤਮਾਓ ਕੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਯੋਗ ਲਗਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਇੱਕ ਸੁਖਮੇ संसार बनाने की प्रेरणा दी गई। अमृतसर के मजीठा रोड में सेवा भारती अमृतसर की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सेवा भारती अमृतसर महानगर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता पंजाब अध्यक्ष अमृत सागर और अरविंद सरीन द्वारा की गई। इस मौके पर नई कार्यकारिणी का चयन कर पुरानी कार्यकारिणी को बंद किया गया। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी के संरक्षक नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि संघ की ओर से जो गरीब आदमी काम नहीं करते उन्हें संघ की ओर से कोई ना कोई काम सिखाया जाएगा जिससे वे काम कर अपने परिवार का पेट पाल सके। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे अपनी सभी साथियों के साथ मिलजुल कर पूरा करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, मैं इंजीनियर बेसिकली इंजीनियर हूँ और ये सेवा का मैं प्रधान मिली है और मैं एक प्रवक्ता तो नहीं लेकिन मैं एक सोशल कम करने वास्ते
और इस करके इस मैं कोशिश करूँगा कि जिन्हें मेरे साथी ने उन्होंने मैं मिल बदल करके इस सेवा का भार पूरा करूँगा। अच जरा मेरा एम ये है कि जेडे गरीब बंदियों स्पोर्ट्स तो कम नहीं करते उन्होंने कोई ना कोई रुजगार का तरीका सिखाया जाए ताकि वो अपनी रोटी आप कमा सकें। जिस तरह स्पोर्ट्स का कारपेंट्री का काम है जेडे लोग नहीं कर सकते उन्होंने कारपेंट्री का काम सिखाया जाए। द अमृतसर पीस गुड्स एसोसिएशन की ओर से चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में ओपी बुलानी को प्रधान तथा मनीष वाही को संयुक्त सचिव चुना गया। इसके अलावा अश्वनी बत्रा को सीनियर वाइस प्रधान, राजीव शिंगारी को जूनियर उप प्रधान, रामपाल मेहरा को जनरल सेक्रेटरी और युगल गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। एसोसिएशन के 12 वर्ष बाद हुए इस चुनाव में भारी मतदान हुआ। कुल 222 वोटों में से 216 वोट पोल हुए। इस अवसर पर प्रधान ओपी बुलानी ने सभी सदस्यों को आभार व्यक्त किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का वे प्रयास करेंगे और नई चुनी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों के सहयोग से वे अपनी एसोसिएशन को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को आ रही मुश्किलों का समाधान करना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ओपी बुलानी प्रेसिडेंट द अमृतसर पीस गुड्स एसोसिएशन अमृतसर। आज साड़ी जरा मीटिंग असी बुलाई है अपना असी चार्ज लीता पुरानी टीम को लो। सो मैं सारे मैंबरों का धन्यवाद किया जेडे पुरानी टीम दे भी सी जेडे नवे चुन के आए उन्हों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद किया। सो अज साडा मेन जी अज मीटिंग का मकसद सी वो चार्ज लेना सी उस अज दी उस लेनी सी असी हुण आने वाले टाइम दे विच की तुहाडे प्रोग्राम होवेगा। आने वाले टाइम दे विच साडी मेन जी प्रायोरिटी होएगी वो व्यापारियों की कोई समस्या सब तो पहले साडा जिहड़ा मकसद है जिहदे वास्ते साडी एसोसिएशन बनी है असी वो हल करांगे। दूसरा बाहरली एसोसिएशन जिस तरह दिल्ली इत्थों माल जांदा है हिसार जांदा है रोहतक जांदा है उत्थे एसोसिएशन दे नाल टाई अप करके वो व्यापारियों के मसले हल करावांगे। इत्थे लोकल बॉडी दे विच जिहड़ा ट्रैफिक की समस्या सब तो ज़्यादा साडी समस्या ट्रैफिक की है ई रिक्शा की समस्या बाजारां जाम लग जांदा है वो भी ऐसी सरकारी महकमे नाल मिलके उन्हें भी हल करावा। जिला होशियारपुर के गांव मैली में उस समय हंगामा हो गया जब बहू ने अपनी जेठानी को साथ लेकर अपनी अलग रह रही सास को जमकर पीटा और उसकी बाजू तोड़ दी। बुजुर्ग औरत को सिविल अस्पताल महिलपुर में दाखिल करवाया गया और वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे सिविल अस्पताल होशियारपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतवंत कौर निवासी गांव मैली ने अपने पुत्र मनोज की हाजिरी में बताया कि उसने अपने बड़े लड़के जयवीर व उसकी पत्नी ममता को बेदखल किया हुआ है जिससे खफा होकर चचेरे देवर की पत्नी को साथ लेकर उसके घर में आकर बालों से घसीटा और जमकर पीटा और वह बेहोश हो गई। गांव के लोगों ने उसे सिविल अस्पताल महलपुर दाखिल करवाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी टूटी हुई बाजू की पुष्टि की। वहीं चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने बताया कि वे पीड़िता के बयान लेने होशियारपुर गए थे। वहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाए। वे मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। लड़ने कुट्ट मारन देना अज इन्हों इनू मार दईए यदा काम खत्म कर दईए किसी तरह उन्हें ये अज घर च कुटन आई है वो ये बखरे रेंदे कले ओ मेरी माँ घर च वा मेरी जी भरजाई वो बखरे कमरे च वा लेकिन जी ती जनानी आई आ मेरे ताए की नोही आई आने आके इनू मारिया एक ने फड़िया है एक ही मतलब जी उसी मार ले हाथ देखो मोढ़ा वह तोड़ दिता वो माँ इन्ना कोई वो इन्ना कोई भाजी इन्ना कोई जलम हों भी इस तरह मारूंगा एक गरीब मैं कितने रह जावा यार कि दुनिया से लै जावा यार मुख्यमंत्री चब्बे बाग तो टेलीफोन आया कि उन्होंने चिट भेजी थी भी कहते भी इदा मैली तो सतवंत कौर ने वाइफ होवे गए लेट हरबंस सिंह जिन्हों की जो मैं लड़ाई झगड़ा होने करके माल वालों दाखिल ने स्कूल हस्पताल मैं सुबह उत्थे पता किया जाके तो उत्थे मैली जी है सतवंत कौर और रैफर हो चुकी थी सिमला होशियारपुर। सिमला होशियारपुर पुज के मैं उन्होंने डॉक्टर साहब को लिखी राय हासिल की है। डॉक्टर साहब ने किटा दसिया
मैं उत्थे बैठते पुजा उन्होंने कोल, उन्होंने दस्या भी साड़ी जिहड़ी अज तक सेहत ठीक नहीं, नशे की जी सट लगन करके जी दवाई की दवाई का नशा, अभी तक मैं कोई बयान नहीं लिखा चाहती, जो भी बयान लिखाने उस हिसाब से बनती कार्रवाई की जाए। जिला अमृतसर स्वर्णकार संघ की ओर से शहीदी जोड़ मेले के उपलक्ष्य में ठंडे मीठे जल की छबील और लंगर लगाया गया और इसे लोगों में वितरित किया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार संघ द्वारा सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर बरनाला के तीन नौजवान तपती गर्मी से राहत पाने के लिए हरिगढ़ नहर में नहाने गए, डूबने से दो की हुई मौत। संगरूर में एक पुलिस कर्मचारी का शव अपने ही क्वार्टर में गली सड़ी हालत में मिला, पुलिस ने धारा 174 के तहत की कार्रवाई। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने एक व्यक्ति को किया काबू, 10,800 नशीली गोलियां की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।